मैं वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में किस टाइप का प्रॉब्लम आपको मिलेगा, फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हल्का फुल्का कंसेप्ट दूंगा, मतलब क्विक रिव्यू दूंगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रॉब्लम को आपको बनाना चाहिए जो कि रिवीजन के लिए बेस्ट होगा, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रॉब्लम आप जरूर अच्छे से बनाएं, बहुत अच्छे से देखें उसको, इनफैक्ट उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें जिसका आने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बताता हूं कि किस किस वैरायटी का प्रॉब्लम उसमें मिल सकता है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आपके पास डायरेक्ट एक फंक्शन रहेगा, उसको डिफरेंशिएट करके आपको पता करना होगा कि वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, जिसमें आपको अलजेब्रिक फंक्शन मिलेगा। दूसरे कैटेगरी में आपको मिलेगा लॉगरिथमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब कि आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा और वहां पे आपसे पूछेगा कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। और थर्ड कैटेगरी के प्रॉब्लम में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड कुछ फंक्शन बनाया हुआ रहेगा, वहां से आपको बताना है कि इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, किस इंटरवल में क्या होगा डिक्रीजिंग। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के केस में इंटरवल भी दिया रहता है। तो ये मेनली इस 3 टाइप का प्रॉब्लम ही आप लोगों का बोर्ड में पूछता है। हालांकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बहुत सारा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम बनता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, बहुत सारा आता है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन आता है, लेकिन आपको बेसिकली 3 टाइप का प्रॉब्लम देखना है, एक अलजेब्रिक, एक लॉगरिथमिक और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के प्रॉब्लम को बनाते कैसे है? तो देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के प्रॉब्लम को बनाने का बहुत तरीका है। एक ग्राफिकल प्रोसेस होता है जो ग्राफ प्लॉट करके हम सीधा पता कर लेते हैं कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग। लेकिन आपको जो पढ़ना है, आपके जो स्कूल में आपको जो बनाना है, बोर्ड में जो आपको बनाना है, वो आपको बनाना है फर्स्ट डेरिवेटिव के मदद से। मतलब आपको एक बार डिफरेंशिएट करके पता करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग। तो देखते हैं उसका कंसेप्ट क्या है। तो मैं केवल फर्स्ट डेरिवेटिव का कंसेप्ट दे रहा हूं। देखिए, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में डीवाई डीएक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो उस केस में डीवाई डीएक्स जो होगा वो आपका लेस देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि इंक्रीजिंग के लिए आपको डीवाई डीएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, डिक्रीजिंग के लिए आपको डीवाई डीएक्स लेस देन इक्वल टू 0 रखना है। लॉगरिथमिक के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, तो लॉगरिथमिक के प्रॉब्लम के लिए आपको लॉग का डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। लॉग का डेफिनेशन क्या है कि ये लॉग आर्गुमेंट एक्स बेस ए है, तो बेस जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और आर्गुमेंट जो है वो हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो भी आर्गुमेंट रहेगा वो हमेशा आप कंसीडर करेंगे ग्रेटर देन 0। तो ये था आपका इंक्रीजिंग के लिए डिवाइड डीएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग के लिए डिवाइड डीएक्स लेस देन इक्वल टू 0, और लॉग के लिए एक्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। अब इसका स्टेप क्या, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ वाई इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले आप उसको डिफ्रेंसिएट करेंगे, तो देखिए डिवाइड डीएक्स आ गया, डिवाइड डीएक्स निकालने के बाद आप उसको 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट किए, फिर वहां से हम x का वैल्यू निकालते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। वही क्रिटिकल पॉइंट आपका आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल में सेपरेट करता है। फिर उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद साइन चेक करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का। साइन चेक करने के बाद हम देखेंगे क्या, किसका साइन चेक करेंगे। यहां पे स्टूडेंट थोड़ा गलती करता है, कोई स्टूडेंट फंक्शन का साइन चेक करता नहीं, फंक्शन का साइन आपको चेक नहीं करना, आपको साइन चेक करना है डीवाई डीएक्स का। जिस इंटरवल में आपका डीवाई डीएक्स पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल में आपका डीवाई डीएक्स नेगेटिव होगा उस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा।
कुछ प्रॉब्लम में क्या होगा कि आप डिफरेंशिएट करेंगे, इंटरवल मानिए दिया हुआ है एक्स का, तो आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, उसके बाद आप इंटरवल को देखिएगा कि उस इंटरवल में आपका एक्चुअल में डीवाई डीएक्स आ क्या रहा, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा। अगर गिवन इंटरवल में आपका डीवाई डीएक्स पॉजिटिव आ जाता है मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर गिवन इंटरवल में डीवाई डीएक्स निगेटिव आता है मतलब वो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर दोनों आ रहा तो आप फिर नंबर लाइन का हेल्प लीजिए और नंबर लाइन की मदद से आप उसको बना लीजिए। तो ये था आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट। इसी तरीके से आपको बोर्ड में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के प्रॉब्लम को बनाना है, ग्राफ का यूज आपको बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सा प्रॉब्लम रिवीजन के लिए बेस्ट होगा, किस प्रॉब्लम को हम देखें कि रिवीजन सबसे अच्छे से कर सके। जैसा कि आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आप देख सकते हैं आरडी शर्मा में बहुत सारा प्रॉब्लम दिया हुआ, उतना प्रॉब्लम बना पाना बहुत मुश्किल है। तो आरडी शर्मा, एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए, इस पर रिसर्च करते हुए मैंने कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है, और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, केवल 16 प्रॉब्लम है। अगर ये 16 प्रॉब्लम आप देख लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा बेनिफिटेड रहिएगा और आपको बाकी रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अच्छे से देखेंगे, समझ के देखेंगे तो रट्टा मार के जाइएगा तो आपको हर एक प्रॉब्लम नया प्रॉब्लम लगेगा, लेकिन आप समझ के बनाइएगा तो आपको नया प्रॉब्लम नहीं लगेगा। अगर ये प्रॉब्लम का कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो आप सारे प्रॉब्लम को बहुत आराम से बना सकते हैं। तो यहां पे मेरे पास 16 प्रॉब्लम है, जिसमें अलजेब्रिक प्रॉब्लम भी है, लॉगरिथमिक प्रॉब्लम भी है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का भी प्रॉब्लम है, और इंटरवल का भी प्रॉब्लम मैंने दिया है। अब इस 16 प्रॉब्लम में कौन सा प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रॉब्लम आपको जरूर बनाना चाहिए और अच्छे से बनाना चाहिए, वो मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं। इस 16 प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 3 को आप बहुत अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लॉगरिथम पे बेस्ड है, और जब भी आपके प्रॉब्लम में लॉग का प्रॉब्लम आता है, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो इस कंसेप्ट को आप यूज जरूर करें। सबसे पहले आप इस कंसेप्ट से लॉग को डिफाइन करें, उसके वहां से एक्स का वैल्यू निकालें, उसका इंटरवल निकालने के बाद फाइनली जो आर्गुमेंट आया है और जो आपका रिजल्ट आया है उन दोनों का कॉमन रीजन निकाल के आंसर करें। तो इस प्रॉब्लम को आप जरूर देखें, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 को आप जरूर देखें, फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देख सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 में आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 15, ये सारे प्रॉब्लम को आप जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आप ये प्रॉब्लम देख के जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिट मिलेगा, और ये 16 प्रॉब्लम को आप अच्छे से बनाएं, समझ के बनाएं। थैंक यू वेरी मच। इस पेज को मैं शेयर कर दूंगा अपने एफबी पेज पे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको कलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिटेड है तो आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा और आंसर करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।